नमस्कार हिमाचल अभी के न्यूज रूम से मैं पल्लवी शर्मा पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। सदस्यता अभियान के लिए बीजेपी ने निर्धारित किया लक्ष्य, हिमाचल में प्रमुख व सह प्रमुख तैनात। नाहन गर्ल्स स्कूल के हॉल में 5 गुरुजी लेट, 2 बिना छुट्टी नदारद। अमिताभ बच्चन ने दिया पुलवामा के शहीद तिलकराज की पत्नी को 5 लाख का चेक। पर्यटन सीजन में दगा दे गई शिमला की लिफ्ट, 6 माह बाद ही हाँफी। जूनियर ऑडिटर का फाइनल रिजल्ट आउट, 4 हुए सफल। सुना पड़ा सचिवालय, ना दिखा कोई मंत्री, ऑफिसर भी इक्का दुक्का आए नजर। हमीरपुर और कांगड़ा में सड़क हादसे, 2 लोगों की मौत। जवाली में दिन दहाड़े युवती के अपहरण की कोशिश, छेड़छाड़ भी की। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी संगठनात्मक चुनाव से पहले सदस्यता अभियान के लिए पार्टी प्रदेश सदस्यता प्रमुख व सह प्रमुख की तैनाती कर दी है। साथ ही सदस्यता अभियान सहित सक्रिय सदस्यता अभियान की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। इस बार 20% से अधिक नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने बताया कि सदस्यता अभियान के लिए प्रदेश महामंत्री राम सिंह को प्रदेश सदस्यता प्रमुख तथा KCC बैंक के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज को सह प्रमुख बनाया गया है। हायर एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर दिलवरजीत चंद्र ने आज जब नाहन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के औचक निरीक्षण किया तो 5 शिक्षक देरी से स्कूल पहुंचे और 2 बिना छुट्टी लिए गायब पाए गए। सुबह तो स्कूल 8 बजे शुरू हो गया था, लेकिन कई शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंचे थे। इसको लेकर डिप्टी डायरेक्टर ने शिक्षकों से रिपोर्ट तलब की है। गर्ल्स स्कूल के निरीक्षण के बाद वे सराहा स्कूल पहुंचे। वहां भी उन्होंने बॉयज व गर्ल्स स्कूल का निरीक्षण किया, लेकिन दोनों स्कूलों की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद पाई गई। पुलवामा आतंकी हमले में जान गंवाने वाले CRPF के जवान शहीद तिलकराज की पत्नी को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने वादे के मुताबिक 5 लाख की आर्थिक सहायता दी है। तिलकराज की पत्नी को बिग वी के कार्यालय से ये चेक मिला है। बिग वी ने शहीदों के सम्मान में मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम के लिए शहीद तिलकराज की पत्नी को भी न्योता दिया गया था। फ्लाइट देरी से पहुंचने के कारण तिलकराज का परिवार कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया। इसी वजह से उन्होंने बिग वी के कार्यालय से ये चेक लिया। पर्यटन सीजन के बीच शिमला में स्थापित नई लिफ्ट शनिवार को दगा दे गई। मात्र 6 माह बाद ही ये लिफ्ट हाँफ गई है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी हुई। कार्ट रोड से माल रोड तक पर्यटकों को पहुंचाने के मकसद से 6 महीने पहले ही एक नई लिफ्ट का उद्घाटन CM जयराम ठाकुर ने किया था, लेकिन पर्यटन सीजन के चरम पर पहुंचते ही नई लिफ्ट हाँफ गई है, जिसके चलते अब पुरानी 2 लिफ्ट से ही काम चलाना पड़ रहा है। उधर पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते शहर में भारी जाम भी लग रहा है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। असंगठित क्षेत्र रे कामगार रे कल्याण गठे भारत सरकार रे प्रधानमंत्री द्वारा श्रम योगी मानधन योजना शुरू की थी। श्रमिक, घरेलू काम करने वाले, रेड़ी फड़ी, ठेले वाले और सिर पिठारा भार ढोने वाले मजदूर, मनरेगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर और मिड डे मील मंज काम करने वाले इस योजना का लाभ उठाई सके। योजना ने जुड़ने का ठे श्रमिका जो नेड़े लोक मित्र केंद्र जाके अपना आधार कार्ड और बैंक खाते की कॉपी सौगी लेनी पौनी, जिथी धीरे मुफ्त पंजीकरण होना। योजना में शामिल होने गठे महीने की आमदनी 15,000 रुपए कने उम्र 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। योजना में शामिल होने वाले जो 55 रुपए से लेके 200 रुपए तक का भुगतान करना पौना। 60 साल के पूरे होने पर 3,000 महीने की पेंशन मिलनी। जितना पैसा तुसा जमा कराना, तितना पैसा सरकार भी तुसारे खाते जमा कराना। ये पेंशन पूरे परिवार की होनी। जो मुखिया जो कुछ हुई गया तो तीसरी लाड़ी जो आधी पेंशन मिलनी। श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा जनहिता मंजारी। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर ऑडिटर का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। ये 4 पद अनुबंध आधार पर भरे गए हैं। 3 फरवरी को हुई लिखित परीक्षा के आधार पर 17 को मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए बुलाया गया था। मूल्यांकन प्रक्रिया 27 मई को पूरी कर ली गई। मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद आज रिजल्ट घोषित कर दिया गया। सफल उम्मीदवारों में पंकज ठाकुर, अरविंद कुमार, देवेंद्र कुमार व संतोष कुमार के नाम शामिल हैं। प्रदेश सचिवालय शनिवार को पूरी तरह से वीकेंड पर था। जब जब भी CM जयराम ठाकुर शिमला से बाहर दौरे पर रहते हैं, तब तब उनके मंत्री सचिवालय में बैठने से गुरेज करते हैं। ऐसा ही माहौल शनिवार को भी देखने को मिला। इसका कारण यह भी हो सकता है कि रविवार को प्रदेश के सभी जिलों में जनमंच कार्यक्रम है। इस वजह से अधिकांश मंत्री संबंधित क्षेत्र के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे में अब रविवार और सोमवार को 2 दिन की छुट्टी होने के बाद यानी 18 जून से सचिवालय में रौनक लौटेगी।
हमीरपुर व कांगड़ा में दो सड़क हादसों में दो लोगों की जान चली गई। हमीरपुर में रंगस के पास नोंगी में एक स्कूल बस और स्कूटी की टक्कर हो गई। इस हादसे में स्कूटी चालक सलाम हुसैन पुत्र यूसुफ दीन निवासी गांव जंदली राजपुंता रंगस की मौत हो गई है। उधर कांगड़ा में ज्वाली में नाना खास में ट्रैक्टर के नीचे आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कांगड़ा जिला के तहत पुलिस थाना ज्वाली के निकटवर्ती गांव भरमाड़ में युवती के साथ छेड़छाड़ व जबरदस्ती कार में बिठाने का मामला सामने आया है। पुलिस थाना ज्वाली में युवती ने शिकायत दी है कि वह शाम को सैर कर रही थी तो घर से कुछ दूर सड़क पर भरमाड़ का एक स्थानीय युवक गाड़ी लेकर आया और उससे छेड़खानी करने लगा। उसकी बाजू पकड़कर कार में बिठाने की कोशिश करने लगा। डीएसपी ज्ञानचंद ठाकुर ने बताया युवती की शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.himachalabhiabhi.com एवं हिमाचल अभी अभी मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। इन खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार।